Now, clicking on the subscribe button is not enough to get notified every time. You need to hit the bell button also to get all the notifications from my channel. वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ नवरात्रि स्पेशल वेट लॉस डाइट रेसिपी टू, नंबर टू। कल मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया था, आज मैं आपको लंच बताने वाली हूँ। आज की जो रेसिपी है वो आपको लंच में लेनी है और ये सुपर हेल्दी रेसिपी है। और ये जो लंच हम खाएंगे, इसको खाने के बाद हम बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं एंड हमें बहुत लंबे टाइम के लिए भूख नहीं लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसको खाने के बाद आपको 5 मिनट बाद कुछ और मंच करने की या कुछ खाने की आपके फीलिंग आए। ये आपको बहुत लंबे टाइम के लिए फुल रखेगा और इसके बाद आप काम बहुत एनर्जेटिक वे में कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की ये रेसिपी जानते हैं और इसका प्रोसेस जानते हैं कि ये कैसे बनती है। मैंने स्वीट पोटैटो यूज़ किया है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप मेरे प्रीवियस एक वेट लॉस रोटी की रेसिपी में भी मैंने यूज़ किया था और उसमें मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन को उसका लिंक उस वीडियो का मैं यहाँ आई बार बटन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एंड इसमें हाई अमाउंट में डाइट्री फाइबर होता है जिसके कारण ये आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है। ये बहुत ही लो कैलोरी होता है और इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। और यहाँ पे मैंने पोटैटो भी यूज़ किया है, बॉइल्ड प्लेन पोटैटो, जो कि आपको लग रहा होगा कि पोटैटो खाने से तो वेट गेन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पोटैटो खाने से वेट गेन तब होता है जब आप इसे अनहेल्दी वे में खाएं, आप इसे फ्राइड वे में खाएं, आप इसे बहुत मसाले डाल करके खाएं। लेकिन अगर आप इसे प्लेन बॉइल्ड पोटैटो को सिर्फ लेंगे, मतलब अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपका वेट लॉस ही करेगा, वेट गेन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो के साथ साथ बॉइल्ड पोटैटो भी यूज़ किया है और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट मिल करके अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं, ये जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बीट रूट यूज़ किया है, कैरेट यूज़ किया है एंड ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स यूज़ किया है। इन सबको आप फाइनली चॉप कर लीजिए और जो ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स हैं उनको आप फाइनली चॉप कर लीजिए और या तो फिर आप इन सारी चीज़ों को, बीट रूट को और कैरेट को ग्रेट कर लीजिए ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके इस जो दही चाट है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो पाउडर है जो आप देख रहे हैं, ये पाउडर इस इंग्रेडिएंट का को बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है। और ये पाउडर आप जो है एक बार बना करके रख सकते हैं और आप इसे किसी भी चीज़ में, अपने व्रत में हो या फास्ट में हो या फिर आप किस मतलब नॉर्मल डेज में भी हो, तो भी आप इसे किसी भी चीज़ में ऐड करके किसी भी खाने में, अपने मील में उसका टेस्ट बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस दही चाट में रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फास्ट के लिए बन रहा है। बट फास्ट में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कोई भी सॉल्ट जो प्रेफर नहीं करते हैं, वो बिल्कुल प्लेन रहना चाहते हैं, विदाउट सॉल्ट उनका फास्ट होता है, तो वो लोग इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। वो उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं डालेंगे और विदाउट सॉल्ट उसे लेंगे। और नॉर्मल डेज में अगर आप रेगुलर डे में इसको, दही चाट को बना रहे हैं अपने डाइट वेट लॉस के लिए, इसे लंच में ले रहे हैं, तो आप इसमें या तो नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं या सी सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट भी डाल सकते हैं।
गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी और इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी मैं इसे ऐड करना भूल गई थी, बट बाद में मुझे याद आया क्योंकि मैं इसे ऐड करती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये आपको बता देना चाहिए। ये मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हनी भी ऐड किया है, और अगर ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ऐड करती हूँ इसलिए मैंने इसमें आपको दिखाना ज़रूरी समझा। तो मैं इसमें हनी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट अपडेट करूँ, जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स पर शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मेरे इन रेमेडीज़ के बारे में पता चल सके। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं मोस्टली अवेलेबल रहती हूँ। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।